Hello children, in this video we will cover entire chapter of database query using SQL. Okay, first we have mass function. First function is par function. The power function returns the value of a number raised to the power of another number. PAR function ka kya use use par function ki help. की हेल्प से हम एक नंबर को उसकी पावर तक रेस करते हैं ठीक है डज इट मीन पावर फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेस्ट टू द पावर ऑफ अनदर नंबर यहाँ पे जब इसका सिंटेक्स देते हैं देखते हैं हम लोग तो ए क्या है नंबर और उसकी पावर क्या है बी राइट ओके समझ आया तो ए को ये कहाँ तक रेस करेगा बी तक जहां तक उसकी पार है ओके okay? तो एग्जांपल की से हम देखते हैं देखो सिलेक्ट पार फोर टू तो फोर क्या है नंबर और फोर की पार क्या है टू राइट पार का मीनिंग क्या होता है उस नंबर को आप जितनी भी पावर दी गई है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं राइट right? तो फोर इज टू पार टू मीन्स फोर विल बी मल्टीप्लाइड टू टाइम्स ओके तो यहाँ पे फोर इन फोर आएगा राइट right? जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स वो नंबर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है वी नो इट वेरी वेल ओके तो यहाँ पे क्या है पार फंक्शन का क्या यूज है इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हो एक आपका नंबर होता है और दूसरी उसकी पावर होती है ओके तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है जो भी नंबर होता है बाय डिफॉल्ट और उसकी जो भी पावर होती है वो आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो देखो यहाँ पे हमारे पास सिक्सटीन आ गया सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं सिलेक्ट पावर थ्री फोर तो यहाँ पे नंबर क्या है थ्री और उसकी पावर क्या है फोर राइट right? तो थ्री का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फोर टाइम्स थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ओके इंटू थ्री राइट फोर टाइम्स तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ एटी वन ओके तो सिंपली पार फंक्शन का क्या यूज है ये किसी भी नंबर की पार पार का रिजल्ट आपको शो करता है राइट right? और इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट को पास करोगे जो न, वन नंबर और सेकेंड उसकी पावर ओके okay? next we have round function the round function in mysql is used to round off a number to a specified number of decimal राउंड फंक्शन का क्या यूज है राउंड फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी नंबर को पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं ओके okay? जैसे आप uh, average निकालते marks, uh, average marks निकालते हो हो तो उसमें क्या होता है आफ्टर वी हैव लॉट्स ऑफ डिजिट्स तो, places, of, uh, तो uh, क्या करते हैं टीचर्स क्या करते हैं उसका राउंड ऑफ कर देते हैं ओके okay? uh, तो uh, यहाँ पे राउंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करें राउंड ऑफ करें राइट इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर राउंड ऑफ अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है तो क्या होगा इट राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो वो क्या कोशिश करता है कि वो अपर राउंड ऑफ मींस एक उससे थोड़ी सी अबव इंटीजर जो वैल्यू होती है वहाँ तक राउंड ऑफ कर देता है ठीक है अब इसको हम कैसे समझेंगे पहले इसका सेंटेंस देखो राउंड फंक्शन के अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है फर्स्ट आपका क्या है नंबर जिसको हमें राउंड ऑफ करना है सेकंड आपका क्या है डेसीमल प्लेसेस यहाँ पे आप बताओगे कि कितने डेसीमल प्लेसेस आपको चाहिए डेसीमल प्लेसेस मीन्स डेसीमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए ठीक है अपने नंबर में डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए ओके एक्स द नंबर विच इज टू बी राउंडेड एक्स क्या है हमारा वो नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है और डी क्या है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अप टू विच द गिवन नंबर इज टू बी राउंडेड ओके okay? तो डी से हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए ओके okay? और यहाँ पे डी जो आपका आर्ग्यूमेंट क्या है वो ऑप्शनल है आप इसको आ, आ, पास कर भी सकते हैं राउंड फंक्शन में और आ, इ, इट्स योर विश आप उसे नहीं भी पास कर सकते ठीक है इफ़ नॉट गिवन इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर और अगर आप डी को नहीं स्पेसिफाई करते हो राउंड फंक्शन के अंदर तो बाई डिफॉल्ट वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक राउंड ऑफ कर देता है ओके okay? अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं सलेक्ट राउंड हमारे पास नंबर है फ्लोट नंबर है 15.193 ठीक है और हमने क्या दिया है डेसिमल प्लेसेस में वन तो वन का मतलब हमें वन डेसिमल प्लेसेस तक ही क्या करना है राउंड ऑफ करना है इसका ठीक है तो अब क्या किया है? यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया 15.2 राउंड ऑफ ओके ठीक है तो 193 जो हमारे पहले क्या थे 3 डिजिट्स थे अब उसकी प्लेस पे क्या आया 2 ओके okay? क्योंकि हमें क्या चाहिए था आफ्टर डेसिमल वन ही डिजिट चाहिए था और नियरेस्ट uh, मैंने क्या बताया था हम, जब हम राउंड ऑफ करते हैं हम उससे जो अपर इंटीजर वैल्यू होती है वो यूज करते हैं तो वन से अपर क्या है यहाँ पे टू है ओके okay? तो वन नाइन था वन नाइन थ्री तो इसकी वन uh, तो बेसिकली वन से uh, जो अब है वो टू है तो हमने यहाँ पे टू को ले लिया है फाइन ओके नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट राउंड थ्री फोर फाइव डॉट वन फाइव सिक्स ये हमारे पास नंबर है एक फ्लोट नंबर है अब यहाँ पे हमने डी को स्पेसिफाई नहीं किया डेसिमल प्लेसेस को स्पेसिफाई नहीं किया नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ़ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा ये इसको नियरेस्ट डेसिमल नीर नीर सॉरी क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू तक इसको क्या कर देगा राउंड ऑफ कर देगा तो इसने क्या किया आफ्टर uh, डेसीमल dec, uh, जो डिजिट थी उनको हटा दिया और थ्री फोर फाइव आपका रिजल्ट आ गया है इंटीजर रिजल्ट ओके तो राउंड फंक्शन क्या करता है इट इज़ यूज फॉर

यहाँ पे वाई क्या है वाई हमारा डिविजर है अ, मतलब एक्स हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करें और जिससे डिवाइड करें डिविजर वो हमारा वाई है Are you getting? मोड की हेल्प से क्या करते हैं हम डिवीजन करते हैं मतलब हमें दो नंबर का डिवीजन का रिजल्ट मिल जाता है रिमाइंडर मिल जाता है रिमाइंडर राइट तो एक्स हमारा क्या है डिविडेंड वो नंबर जिसको हम डिवाइड करें किससे डिवाइड करें

दो नंबर का रिमाइंडर प्रोवाइड करता है फाइन ना ना हेयर वी है एग्जाम्पल्स ऑफ मोड फंक्शन सिलेक्ट मोड इलेवन फोर तो यहाँ पे इलेवन डिवाइड होगा फोर से और उसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया थ्री ठीक है समझ आ गया यहाँ पे देखो अगर सिंपल आपको समझ आए तो यहाँ पे इलेवन क्या है नंबर है ठीक है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिविजर क्या है फोर ठीक है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया थ्री फोर टू आप एट कर दो तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर थ्री ओके दैट वी हैव गॉट फाइन देन सिलेक्ट मोड फोर डिवाइडेड बाय जीरो तो अगर आपका डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो जीरो हो तो रिजल्ट क्या आता है नल आता है आपका फाइन सिलेक्ट मोड एटीन अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट एटीन मोड टू लिखा हुआ है तो सिंपली ये भी अलग अलग सिंटेक्स में यूज करते हैं लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा व्हेन यू डिवाइड द एटीन बाय टू तो आपका रिमाइंडर जीरो आता है ठीक है और एटीन मॉड्युलर ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी हम क्या करें मोड फंक्शन का यूज करें तो आपका रिजल्ट आ गया सॉरी और रिजल्ट क्या है दिस इज द रिमाइंडर ठीक है जब आप एटीन को फोर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा टू नेक्स्ट वी और टेक्स्ट फंक्शंस ओके सो द फर्स्ट फंक्शन इज अपर और फंक्शन द अपर फंक्शन

अपर के हमने अपर uh, फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग एक्ल प्रोग्रामिंग इज़ फन फाइन तो आप रिजल्ट देखो इसने क्या किया एस्किल प्रोग्रामिंग इज़ फन के सारे करेक्टर्स थे जो स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स थे उसको क्या कर दिया अपर केस में कर दिया है कैपिटल लेटर में कर दिया है फाइन ऐसे आप सिलेक्ट अपर करके किसी भी कॉलम नेम को यूज uh, कर सकते हो जैसे सिलेक्ट अपर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है एम्प्लॉय नेम जो टेबल uh, एम्प्लॉय का जो कॉलम है एम्प्लाई आ जाएंगे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे फाइन ऐसे ही आप अपर कीजिए यूकेस यूज कर सकते हो सिलेक्ट यूकेस एसकल प्रोग्रामिंग इज फन तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया एसकल प्रोग्रामिंग इज फन ठीक है

function or L case. The lower function converts all the characters in the specified string to lower case, right? अब lower function का क्या use होता है इसके अंदर आप जो भी string pass करोगे उसके वो जितने भी characters होंगे उसको convert कर देगा lower case में small letters में right? Select lower हमने यहाँ पे स्टिंग को पास किया एच कल प्रोग्रामिंग इज फन नाउ यू कैन सी द रिजल्ट जितने भी उसके अंदर जो ऑलरेडी स्मॉलर केस में थे, केस में थे वो और जो अपर केस में थे they, they okay. आप लोअर कीजिए एल केस भी यूज कर सकते हो सिलेक्ट एल केस तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द लोअर केस फाइन सेम हिस्ट फाइन ऐसे uh, आप इसको जब अगर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर टेबल दी हुई है तो आप सिलेक्ट लोअर uh, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था लेटेस्ट डेट एग्जाम्पल सिलेक्ट लोअर एम्प्लाई नेम फ्रॉम एम्प्लाई ठीक है तो एम्प्लाई नेम जो कॉलम होगा उसके जितने भी नेम्स होंगे वो क्या होंगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी एम्प्लॉयज के नेम होंगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे एम्प्लॉय टेबल के तो अगर आप टेबल के uh, के साथ यूज करें तो आप ऐसे यूज कर सकते हो फाइन नेक्स्ट वी हैव मिड फंक्शन और सब स्ट्रिंग फंक्शन और सब एस टी आर राइट तो ये तीनों फंक्शन सेम है ठीक है द सब स्ट्रिंग फंक्शन एक्स्ट्रेक्ट अब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एनी पोजिशन का क्या यूज है राइट द सब एस टी आर एंड मिड फंक्शन आर सेम है, से से है।, है mid function function, वो मैंने आपको बताया चाहे मिड फंक्शन आए चाहे सब स्ट्रिंग फंक्शन आए चाहे सब एस टी आर फंक्शन आए दे थ्री आर सेम फाइन इसका सिंटेक्स क्या है सब स्ट्रिंग ठीक है इसके अंदर स्ट्रिंग हमने पास किया ओके जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है ओके स्टार्टिंग करेक्टर किस करेक्टर से स्टार्ट करना है एंड लेंथ कितने नंबर ऑफ करेक्टर हमें लेने हैं ठीक है ओके तो स्ट्रिंग देखो स्ट्रिंग द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वो स्ट्रिंग जिसमें से हम सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं स्टार्ट द स्टार्ट पोजिशन कैन बी बोथिटिव और एंड ऑफ द स्ट्रिंग ठीक है तो ये क्या है हम पोजिशन बता रहे हैं की कि किस करेक्टर मतलब किस पोजिशन से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है सब स्ट्रिंग ठीक है अगर ये पॉजिटिव नंबर आप इसमें यूज करते हो तो क्या होगा स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग से ये क्या करेगा बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग से आपके सब uh, स्ट्रिंग को एक्सट्रेक्ट करेगा और अगर आप नेगेटिव नंबर यूज करें तो स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट करेगा राइट right? इसे अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे देन लेंथ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट मतलब आपको कितने कैरेक्टर्स एक सबस्ट्रिंग के अंदर चाहिए राइट इफ ओमिटेड द होल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन और अगर आप लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा पूरी की पूरी जो आप स्ट्रिंग uh, है वो वो आपके पास आ जाएगी एज अ सबस्ट्रिंग फाइन अब इसको हम समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से ओके okay. अब हम हम हमारे पास एग्जांपल है सिलेक्ट सब स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल ठीक है स्टार्टिंग पोजीशन क्या है सिक्स और कितने हमें कैरेक्टर्स चाहिए फोर फाइन तो अब इधर देखो तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा वन टू थ्री ओके फोर एक स्पेस करेक्टर हो गया फाइव एंड सिक्स यू जो हमारा है वो सिक्स सिक्स करेक्टर है एस क्यूएल और आ, हो गए थ्री देन हमारा एक बीच में स्पेस करेक्टर है देन टी एंड यू यू हमारा sixth character है और सिक्स करेक्टर से हमें कितने करेक्टर्स चाहिए लेंथ कितनी है four, मतलब फोर करेक्टर्स चाहिए तो यू टी ओ आर ये आपका क्या आ गया रिजल्ट फाइन नेक्स्ट देखते हैं सर्ट स्ट्रिंग एसक्ट टूटोरियल माइनस सिक्स फोर ठीक है अब देखो यहाँ पे सिक्स क्या था पॉजिटिव नंबर था तो हमने इसको जो काउंटिंग स्टार्ट करी वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से की है ओके okay, अब यहाँ पे हमारी start, जो पोजीशन है वो क्या है माइनस में है तो हम क्या करेंगे पीछे से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के एंड से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो वन हो गया टू हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स तो जो हमारा टी है वो सिक्स पे आ रहा है ठीक है और हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए फोर तो टी ओ आर आई रिजल्ट आ गया ओके? तो ये समझ में आ गया अगर ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ठीक है और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा स्ट्रिंग के एंड से काउंट करना स्टार्ट करेगा करेक्टर ठीक है क्या है हमने स्टार्टिंग पोजीशन तो दी है कि फिफ्थ पोजीशन से हमें चाहिए लेकिन कितने करेक्टर्स चाहिए ये हमें नहीं पता तो क्या होगा इस पोजीशन से लेकर एंड तक वो सारे करेक्टर्स को लेगा ठीक है क्योंकि जब आप पोजीशन नंबर ऑफ करेक्टर्स डिफाइन नहीं करते हो तो जो स्टार्टिंग पोजीशन के बाद जितने करेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजिशन वो सारे करेक्टर्स को इंक्लूड करता है ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव पे क्या होता है टी तो इसने पूरा वर्ड लिया है ट्यूटोरियल यहाँ पे देखो तो ट्यूटोरियल इसने कंप्लीट लिया है फाइन समझ आया नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स ठीक है लेंथ फंक्शन क्या करता है लेंथ फंक्शन बताता है कि जो आपने स्ट्रिंग जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसकी वो कितने बाइट्स मतलब उसकी लेंथ बाइट्स में कितनी है राइट right? तो वी नो जो वन करेक्टर होता है वो वन बाइट क्या करता है कंज्यूम करता है वन बाइट वन करेक्टर को uh, लेता है ठीक है uh, मतलब वन करेक्टर वन बाइट को कंज्यूम uh, करता है वन uh, उसमें स्टोर होता है वन बाइट में ओके तो यहाँ पे क्या करेगा बाइट्स में स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा तो सिलेक्ट लेंथ हम आप देखो स्ट्रिंग है एसक्यूएल ट्यूटोरियल फाइन तो वन टू थ्री एक हमारा स्पेस करेक्टर है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है। तो यहाँ पे इसने ट्वेल्व बाइट्स आपको शो कर दिया कि SQL tutorial कितने, कितने uh, bytes की लेंथ है 12 bytes की है, fine? Okay, क्योंकि एक वन बाइट क्या करता है ऑक्यूपाई करता है देन सिलेक्ट लेंथ एस्किल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एज अब हमने जो लिखा as length of string, ये क्या है एज है रिजल्ट में हमारा आए, शो करेगा एंड देन रिजल्ट ठीक है ओके okay? तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ पे आपका आ गया 26 बाइट्स इस पूरे का जो काउंट करके आ गया कि ये स्ट्रिंग कितने बाइट्स uh, uh, की लेंथ है इसकी 26 बाइट्स की इसकी लेंथ है फाइन तो लेंथ फंक्शन की हेल्प से वी कैन वी कैन गेट टू नो द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ओके ओके नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट फंक्शन द लेफ्ट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट Extract a specified number of characters from the left side of a given string. Left function क्या करता है? Left function string के left से uh, uh, specified मतलब जितने आपने characters specify uh, sorry जितना आपने number specify किया, किया है उतने characters को extract करता है। समझ आया? Left left function string में से जितने आपने characters specify किए हैं उतने characters को extract करता है किस side से? Left side से, right? तो लेफ्ट फंक्शन में आपने पास किया स्ट्रिंग विच द नंबर ऑफ करेक्टर्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड ठीक है, है. String, string हम स्ट्रिंग को पास करेंगे जिसमें से हम करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं करेक्टर्स को निकाल रहे हैं और लेंथ क्या है length की लेरामीटर से हम बता रहे हैं कि हमें कितने करेक्टर्स उसमें से निकालने हैं ठीक है

ओके लेफ्ट फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग को एसक्यूएल ट्यूटोरियल और लेंथ क्या है थ्री मतलब थ्री कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं किस साइड से लेफ्ट साइड से तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग एस क्यूएल तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया एस क्यूएल फाइन नाउ सिलेक्ट लेफ्ट यूएसएस देन टू थ्री ये हमने स्ट्रिंग ले रखी है और हमने क्या दिया है लेंथ क्या दिया? Three, मतलब three है मतलब ले कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द

स्ट्रिंग क्या है जो जिस स्ट्रिंग में से आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स एक्सटेंड करने और लेंथ क्या है जितने करेक्टर्स आपको चाहिए लेकिन से से ये करेगा राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग ओके और यू कैन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग फाइन दिंग और अगेन इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन है अगर आपने लेंथ में क्या दिया नंबर ऑफ करेक्टर्स ज्यादा दिए ओके लेंथ में नंबर ऑफ करेक्टर्स ज्यादा दिए तो क्या होगा ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा ओके सिलेक्ट राइट एक्ल ट्यूटोरियल थ्री ओके okay, तो यहाँ पे राइट right फंक्शन में हमने स्ट्रिंग को पास किया एसक्यूएल ट्यूटोरियल और आपने len में क्या दिया है थ्री तो यहाँ क्या करेगा ये इसके राइट right साइड से थ्री करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट आपको देगा ठीक है तो यहाँ पे राइट right साइड से देखो आई ए एल आ गया ओके okay? सेम यहाँ पे एसक्यूएल ट्यूटोरियल फिफ्टीन अब फिफ्टीन क्या है फिफ्टीन जो इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं ट्वेल्व और यहाँ पे हमने दे दिया है फिफ्टीन तो क्या होगा ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा

तो इन इन स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रिंग है और सेकंड पैरामीटर क्या है सब स्ट्रिंग पोजीशन पर है राइट ओके इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग फाइन ओके तो यहाँ हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर और तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्लोर क्या है हमारा स्ट्रिंग है ओके फर्स्ट स्ट्रिंग है अब इसके अंदर हमें जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है और तो और की पोजीशन बताएगा तो यू कैन सी यहाँ पे और की पोजीशन क्या है टू यू कैन सी यहाँ पे सी वन एंड और और यहाँ पे स्टार्ट हुआ टू से ओके okay? तो इसने आपको और की पोजीशन बता दी है टू राइट अगेन सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर एम ओके okay, यहाँ पे एम क्या है सबस्ट्रिंग अब एम सबस्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका रिजल्ट क्या आ गया है जीरो ओके okay? तो इन फंक्शन का क्या यूज है इनस्ट्रिंग फंक्शन के हेल्प से इन हम पता कर सकते हैं कि जो सब स्ट्रिंग है उसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या पोजीशन है ओके इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट अक्र सब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग

ना ऑन द नेक्स्ट फंक्शन इज एल्ट्रिम फंक्शन द एल्ट्रिम फंक्शन रिमूवस लीडिंग स्पेसिस ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम अ स्ट्रिंग एल्ट्रीम फंक्शन का क्या यूज होता है एल्ट्रीम फंक्शन जो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में स्पेसिस होते हैं उनको क्या कर देता है ट्रिम कर देता है मीन्स रिमूव कर देता है फाइन ओके लीडिंग स्पेसिस मीन्स जो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में स्पेसिस होते हैं राइट right? तो इसका सेंटेक्स क्या है एल्ट्रिम फंक्शन एंड एल्टिम फंक्शन यू विल पास द स्ट्रिंग

तो एल्टिम फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो स्ट्रिंग के जो लीडिंग स्पेसिस होते हैं उनको रिमूव कर सकते नेक्स्ट फंक्शन इज आर ट्रिम आर ट्रम फंक्शन रिमूव ट्रेलिंग स्पेसिस स्पेसिस ऑन द राइट साइड फ्रॉम अ स्ट्रिंग आर ट्रम फंक्शन क्या करता है स्ट्रिंग जो आप स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पास करते हो उस स्ट्रिंग के के राइट साइड की स्पेसेस को ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है ठीक है आप इसका सिंटेस के आर ट्रिम और आर ट्रिम फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग को पास कर रहे हो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर राइट right साइड में स्पेसेस है तो आर ट्रिम फंक्शन क्या करेगा उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा फाइन नौ सी यहाँ पे क्या है इसके ट्यूटोरियल आपने क्या लेफ्ट में भी दिया है और राइट right में भी दिया है तो इसने क्या किया लेफ्ट के स्पेसेस को रिमूव नहीं किया राइट right के स्पेसेस को रिमूव किया है सेम हेयर यू कैन सी आर डी आर डी बी एम एस माइस के अंदर लेफ्ट के स्पेसेस मूव नहीं हुए यहाँ पे राइट right के स्पेसेस रिमूव हुए बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज करें आर ट्रिम फंक्शन यूज करें जो ट्रिलिंग स्पेसेस राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है ना नेक्स्ट वी हैव ट्रिम फंक्शन द ट्रिम फंक्शन रिमूव लीडिंग

ओके अब आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड भी आपके स्पेसेस हैं एंड राइट साइड भी आपके स्पेसेस हैं व्हेन यू विल यूज द ट्रिम फंक्शन इट विल रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट ओके हियर आल्सो इट हैज रिमूव्ड ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द स्ट्रिंग ओके नाउ वी हैव डेट फंक्शंस सो द फर्स्ट फंक्शन इज नाउ फंक्शन द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम नाउ फंक्शन का क्या यूज है ये सिस्टम का करेंट टाइम और डेट डिस्प्ले करता है राइट सिंटेक्स इज नाओ अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट uh, नाव uh, दिया है तो यहाँ पे जब भी एग्जीक्यूट हुआ है जब भी कमांड एग्जीक्यूट हुई है वो डेट और वो टाइम डिस्प्ले हो गया है राइट right? नो no, date date यू है डेट फंक्शन एक्सट्रेक्ट पार्ट ऑफ अर डेट टाइम एक्सप्रेशन डेट फंक्शन क्या करता है किसी भी डेट में से या डेट और टाइम के एक्सप्रेशन से राइट right? ओके okay? तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है डेट एंड एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन क्या है कोई भी वैलिड डेट होनी चाहिए या डेट टाइम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ओके, इट नल इफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ डेट डेट और और टाइम अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन जो पास कर रहे हैं वो डेट नहीं है तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है नल वैल्यू रिटर्न करता है राइट right? ओके okay, अब अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया सिलेक्ट डेट फाइन यहाँ पे सिलेक्ट डेट और डेट फंक्शन के अंदर आपने पास किया डेट एंड टाइम ओके okay? तो डेट फंक्शन क्या करेगा इस डेट टाइम एक्सप्रेशन में से किसको एक्सट्रैक्ट करेगा डेट को और उसे डिस्प्ले कर देगा देखो तो इसने क्या किया डेट को एक्सट्रैक्ट किया और डिस्प्ले कर दिया फाइन नाउ वी हैव सेलेक्ट डेट एंड डेट फंक्शन में हमने डेट को पास किया तो यहाँ पे क्या हुआ इसने डेट को एक्सट्रैक्ट कर दिया राइट right? तो डेट फंक्शन क्या करता है डेट डेट एक्सप्रेशन से या डेट टाइम एक्सप्रेशन से डेट को एक्सट्रेक्ट करके डिस्प्ले करता है राइट right? Next function is month function. The month function returns the month part for a given date, a number from one to twelve. Okay, तो so month function के अंदर जब आप date को pass करते हो, तो क्या करता है month function? उस particular date में से सिर्फ month को extract करता है, right? Month को extract करके display कर देगा, right? Okay? और यहाँ पे date क्या date? It can be a date or datetime value. ओके फ्रॉम विच द मंथ इज एक्सटेक्टेड जिसके अंदर से क्या हो रहा है मंथ फाइन अब यहाँ पेलेक्ट मंथ और मंथ फंक्शन में हमने पास कर दी डेट ओके अब यहाँ पे देखो ये क्या है इसका सबसे पहले ईयर है राइट देन वी हैव मंथ ओके एंड देन वी हैव डे

We will see the से ये क्या करेगा मंथ जो है उसका नेम डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे जीरो थ्री क्या है मार्च तो यहाँ पे इसने मंथ नेम डिस्प्ले कर दिया है राइट अगेन वी आर पासिंग डेट इन द मंथ नेम हिस्स ओके अगेन इट इज डिस्प्लेइंग द मंथ नेम ओके तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है जो मंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है सिंपल मंथ को डिस्प्ले कर देता है बट मंथ नेम फंक्शन क्या करता है उसका नेम डिस्प्ले करता है जो पर्टिकुलर मंथ होता है उसका नेम डिस्प्ले करता है नेक्स्ट फंक्शन इज ईयर फंक्शन a given फॉर Year फंक्शन क्या करता है आप year function में जो भी डेट पास करते हो उसमें से वो ईयर पार्ट को extract करके डिस्प्ले करता है राइट अ नंबर फ्रॉम वन थाउजेंड टू नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन राइट ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया है सिलेक्ट ईयर और ईयर फंक्शन में पास किए है डेट अभी फंक्शन क्या करेगा इसके अंदर से ईयर पार्ट को एक्सट्रेक्ट करके डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया ट्वेंटी right? okay, ट्वेंटी में हमने क्या दिया है डेट एंड टाइम का एक्सप्रेशन ओके okay, अब इसमें से क्या करेगा डेट डेट फंक्शन में से ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर देगा फाइन तो यहाँ पे ईयर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके इसने डिस्प्ले कर दिया है ओके okay? Year function क्या करता है आप जो भी डेट पास करते हो उसमें उस से year part को डिस, करके डिस्प्ले करता है डे फंक्शन the डे ऑफ द मंथ फॉर अ गिवन डेट अ नंबर फ्रॉम one टू thirty one डे फंक्शन का क्या यूज है डे फंक्शन में जब आप डेट पास करते हो तो क्या करता है डेट में से डे को extract करके डिस्प्ले करता है राइट right? और ये फंक्शन किसकी मतलब ये दोनों फंक्शन का दोनों फंक्शन सेम है डे ओके, डे फंक्शन में आपने पास किया है डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन तो इसमें से ये डे पार्ट को एक्सटेड करके डिस्प्ले कर देगा तो यहाँ पे यहाँ पे डे हमारा है फोर जीरो फोर राइट ओके अगेन वी हैव डेट इन डे फंक्शन तो यहाँ पे इसने क्या किया करके करके है डे को एक्सटेंड करके डिस्प्ले कर दिया है फाइन डे फंक्शन क्या करता है डे डे फंक्शन दे में डेट में से डे पार्ट को एक्सटेंड करके डिस्प्ले करता है नेक्स्ट फंक्शन इज डे नेम फंक्शन द डे नेम फंक्शन रिटर्न द वीक डे नेम फॉर अ गिवन डेट राइट डे नेम फंक्शन क्या करता है डे नेम फंक्शन के अंदर आप जो भी डेट पास करते हो उसका जो डे होता है उसका वो नेम डिस्प्ले करता है राइट डे नेम एंड इन डे नेम यू कैन पास द डेट और यू विल पास द डेट राइट अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट डे नेम और इसके अंदर हमने पास कर दिया डेट तो यहाँ पे जो डे uh, है राइट जीरो फोर ठीक है ये जो डे है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि फो डे, फो जो डेट थी वो उसका डे था फ्राइडे फाइन अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है? आ, एक्सप्रेशन लिया डेट एंड टाइम का ओके तो उसमें से जो डे है जीरो फोर उसका जो उस उस डे पर कौन सा दिन था राइट उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया राइट डे नेम इस दिन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है यूजिंग द D Name function. now we have aggregate functions and aggregate functions perform a calculation on a set of values and return a single value aggregate function क्या करते हैं वो set of values पर आ, function करते हैं ओके okay? और उसका result क्या होता है single value होता है fine मतलब एक column है complete column के ऊपर आप aggregate function को apply कर सकते हो complete row पर आप aggregate function को apply कर सकते हो right except for count function एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू ठीक है काउंट स्टार को छोड़कर ठीक है uh, बाकी के एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं ओके एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज क्लॉज ऑफ स्टेटमेंट एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ मोस्टली यूज करते हैं फाइन यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय क्लॉज की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है यू कैन वॉच दैट वीडियो उसमें एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज किया हुआ है फाइन ओके सो हेयर वी हैव गॉट टू नो वट आर एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं सेट ऑफ वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है सिंगल वैल्यू राइट और uh, इसमें काउंट स्टार फंक्शन को छोड़कर बाकी के जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यूज को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं फाइन फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन दिस फंक्शन रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन मैक्स फंक्शन का क्या यूज है ये किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है या किसी भी एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा राइट सिंटेक्स हमारे पास सिंटेक्स क्या है मैक्स फंक्शन मैक्स फंक्शन में हमने पास किया कॉलम नेम ठीक है कॉलम का नाम या फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको पास करना है ओके नाउ वी हैव द एग्जांपल डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय तो ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है ओके दिस इज द सैलरी कॉलम तो हमने क्या व्हाट वर्ट डू वी वांट हम क्या चाहते हैं कि जो सैलरी कॉलम है उसमें से जो मैक्सिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए राइट right? तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे मैक्स फंक्शन का यूज करोगे सिलेक्ट मैक्स ओके okay? और मैक्स के अंदर आपने पास कर दिया सैलरी कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉय फाइन तो क्या होगा मैक्स फंक्शन जो सैलरी कॉलम में मैक्सिमम सैलरी है उसको डिस्प्ले कर देगा नाउ यू हियर यू कैन सी एटी थाउजेंड इसने डिस्प्ले कर दिया जो मैक्सिमम सैलरी है फाइन ओके नेक्स्ट वी हैव द मिन फंक्शन दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन मिन फंक्शन का क्या यूज है मेन फंक्शन का यूज है कि मेन फंक्शन जब आप यूज करते हो किसी भी कॉल ठीक है तो वो क्या करता है किसी भी कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा किसी भी कॉलम या एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा ओके दिन इज मेन ओके एंड इन सर्कुलर ब्रैकेट्स यू विल पास द कॉलम नेम और एक्सप्रेशन फाइन तो यहाँ पे हम कहते हैं डिस्प्ले मिनिमम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय हमें टेबल एम्प्लॉय में से जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें से मिनिमम सैलरी चाहिए राइट तो आप क्या कमांड दोगे सिलेक्ट मिन और मेन फंक्शन के अंदर आप सैलरी कॉलम को पास कर दोगे फ्रॉम एम्प्लॉय ओके सो द रिजल्ट इज थर्टी थाउजेंड जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो डिस्प्ले हो गई है तो मैक्स फंक्शन क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है मेन फंक्शन क्या करता है मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करता है

के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज को ही पास कर सकते हो ओके सी सिंटेक्स क्या है एवरेज कॉलम नेम कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन ओके डिस्प्ले एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय तो यहाँ पे हमने क्या क्वेरी दी है कि जो सैलरी uh, है कॉलम uh, है उसमें हमें क्या चाहिए एवरेज सैलरी चाहिए तो सिंपली आपने क्या किया सिलेक्ट एवरेज और एवरेज फंक्शन में आपने पास कर दिया सैलरी सैलरी कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय सो हियर यू कैन सी जो एवरेज जो एक सैलरी है वो आपकी निकल निकल के आ गई है वो आपकी एज अ रिजल्ट आ गई है ओके तो जब आपको किसी भी कॉलम की वैल्यूज का एवरेज चाहिए राइट यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन Next we have the sum function. The sum function returns the sum of values in a given column or expression. Sum function का क्या use है? Sum function की help से हम किसी भी column की values का sum निकाल सकते हैं. Okay? The sum function always take arguments of integer type only. Sum function में भी क्या है? जो भी आप values pass करोगे, वो कैसी होनी चाहिए? Integer values होनी चाहिए, date uh, values या string values नहीं होनी चाहिए, right? तो sum function में आप column name pass करोगे या फिर expression pass करोगे? जिसकी वैल्यूज़ का आपको सम चाहिए ठीक ठीक है? है? है, तो तो आपको पे पे करानी आपने कमांड दिया दिया और sum के अंदर कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या है टेबल का नेम ओके okay? तो यहाँ पे जो जो भी uh, सैलरीज है टोटल होके आ गया है यहाँ पे सम Two lakh seventy seven thousand. Fine.

काउंट uh, करता है राइट नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा Syntese क्या है काउंट फंक्शन काउंट फंक्शन में आप पास करोगे कॉलम का नाम या फिर एक्सप्रेशन राइट ओके तो यहाँ पे हमने क्वेरी दी है डिस्प्ले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है तो हमें क्या है डिस्टिंक्ट सिटी उंट काउंट काउंट करो डिस्टिंग बार बार ना हो ओके उनका काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय तो यहाँ पे देखो वन दिल्ली देन जयपुर कानपुर बेंगलोर ओके ये फोर हो गए यहाँ पे फिर कानपुर टू टाइम्स क्या हुआ है रिपीट किया तो ये इसको इसको काउंट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया है राइट तो यू कैन सी यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या है फोर फाइन ओके सिलेक्ट काउंट डिस्टिंग यहाँ पे काउंट ने काउंट कर दिया है सिटी के अंदर कितनी रोज आई हैं ओके नंबर ऑफ रोज काउंट कर दिया और डिस्टिंक्ट रोज मतलब डिस्टिंग मीन्स जो बार जो वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होती फाइन ओके अगर यहाँ पे डिस्टिंग कीवर्ड नहीं लगा होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आ जाती सिक्स ओके okay? नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट स्टार फंक्शन काउंट और काउंट करता है, है चाहेक्स right? क्या है राइट right? अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल एम्प्लाई और आपने यहाँ पे कर दी है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉ तो यहाँ पे इसने क्या किया है जितने भी रोज है सबको काउंट किया है ओके okay? चाहे उसके अंदर यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारी थी रोज ट है इवन देन दे आर काउंटेड राइट ओके सो द टोटल नंबर ऑफ रोज आर सिक्स हेयर इज द रिजल्ट काउंट स्टार क्या करता है सारी रोज जितनी भी रोज होती है सबको काउंट करता है चाहे डुप्लीकेट रोज हो चाहे नल रोज हो